सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज मैं दिखाने वाला हूं आपको दोहाई स्टेशन से लेके और मुरादनगर स्टेशन तक का व्यू। कितना कुछ वर्क हो चुका है इस दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर पर। तो चलिए चलते हैं और आपको बताते हैं और दिखाते हैं कंस्ट्रक्शन को, तो देख सकते हैं दोस्तों। तो देखो आपको बता दूँ कि अभी जो लेफ्ट हैंड पे इस पर गार्टरिंग लॉन्चिंग की जा रही है और फिर इसके बाद फ्लोरिंग किया जाएगा। फ्लोरिंग कर देने के बाद में इस पर पैराफिट बॉल लगाए जाएंगे साइड में, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगाए जाने। तो देख सकते हैं अभी बस दोहाई स्टेशन पर यही वर्क चल रहा है। तस्वीर आप लोग देख सकते हो दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करके बताओ। और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस में आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ और इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ आप सभी को दोस्तों। तो देख सकते हो ये प्लेटफॉर्म के नीचे हूँ मैं अभी इस टाइम पे, और इस पर प्लेटफॉर्म में अभी इसमें एक्सीलेटर लगाए जा रहे हैं। और आपको बता दूँ कि इसमें स्टेयर यानी कि सीढ़ियाँ लगाई जा रही हैं। और आपको देखो यहाँ पर ये गाटर लॉन्चिंग की जा रही है, और गाटर लॉन्चिंग हो जाने के बाद में इसमें फिर फ्लोरिंग किया है। तो देख सकते हैं ये वाला पिलर अभी बचा हुआ है जो गाटर लॉन्चिंग होने के लिए दोस्तों। तो गाटर देख सकते हैं ये रखा हुआ है, भारी भरकम गाटर है, वो इस पिलर से और उस पिलर पर कनेक्ट किया जाएगा। बाकी सारा कर दिया जा चुका है और इस पर फ्लोरिंग का ही काम चल रहा है अभी इस टाइम पर। जो दोहाई स्टेशन पर जो वर्क चल रहा है वो चल रहा है, आपको बता दूँ कि इस पर गाटर लॉन्चिंग कर दी गई है और इस पर फ्लोरिंग का अब काम किया जा रहा है। और जब फ्लोरिंग हो जाएगी तब इस पर पैराफिट बॉल बलाने का काम भी किया जाएगा साइडों में, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगाए जाएंगे और उसके बाद ओवरहेड इक्विपमेंट उन पर लगाया जाएगा और फिर उन पर ओवरहेड वायरिंग लगाई जाएगी। तो यही काम है अभी, ट्रैक यहाँ तक अभी नहीं बिछा है क्योंकि अभी इस पर वर्क चल रहा है। और जब वर्क यहाँ पर हो जाएगा कंप्लीट तब इस पर ट्रैक डाले जाएंगे दोस्तों। पहले ट्रैक स्लैब डाले जाएंगे फिर ट्रैक बिछाया जाएगा। तो देख सकते हैं, और अभी बारिश की वजह से यहाँ पर स्लो डाउन लगता हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो डाउन देखने के लिए मिलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर गहरे गहरे गड्ढे हैं और गड्ढे की वजह से यहाँ पर स्लो डाउन लग रहा है क्योंकि पानी में पता ही नहीं चल रहा है। जिसकी पुरानी गाड़ियां हैं वो तो फंसी जाती हैं, ऑटो ये फंस जाते हैं उठ जाते हैं, तो इनमें गड्ढे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से लोग यहाँ गड्ढों से बचा के ये गाड़ियां निकाल रहे हैं ताकि फंस ना जाएं, कि टूट फाट ना हो जाए। इस वजह से देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर जाम का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। और ये मैंने साइड से दिखाया था आपको बता दूँ, तो साइड से भी आप लोग व्यू देखो कि कैसा है। तो देख सकते हैं अभी ये आपको बता दूं दोस्तों, देखिए ये सेटरिंग लगी हुई है, ये सेटरिंग लगी हुई है इसकी फ्लोरिंग के लिए, क्योंकि गाटर लॉन्चिंग कर दी गई है तो इस वजह से ये फ्लोरिंग किया जा रहा है। और कहीं कहीं फ्लोरिंग अभी सारे में ही इस पर ये दोहाई स्टेशन पर फ्लोरिंग का ही काम चल रहा है सबसे ज़्यादा, क्योंकि जब फ्लोरिंग कम्प्लीट हो जाएगा फिर इस पर पैराफिट बॉल बनाए जाएंगे लगाए जाएंगे साइड में, फिर उनके बाद में इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगाए जाएंगे, उसके बाद में तो आपको पता ही है फिर ट्रैक बिछाए जाएंगे, फिर उसके बाद में इस पर काम कंप्लीट होगा दोस्तों। तो देख सकते हैं तस्वीरें, और यही वर्क चल रहा है अभी इस टाइम पे यहाँ दोहाई स्टेशन पर। यहाँ निकलते हुए हम चलेंगे, आज आप लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे भी कि कितना कुछ काम हो चुका है मुरादनगर तक, दोहाई से लेकर और मुरादनगर तक का आज ये वीडियो होने वाला है। तो आप लोग देखेंगे कि बीच में कितना कुछ वर्क हुआ है, और आपको मुरादनगर का स्टेशन भी दिखाएंगे कि उस पर कितना कुछ वर्क हो चुका है, पहले के मुताबिक कितना ज़्यादा हो चुका है, वो भी सब इस वीडियो में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस तो आप लोगों के बीच में मैं लाता रहता हूं और आप लोगों को इंटरटेन करता रहता हूं। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी मेरा वीडियो पसंद आता हो आप लोगों को, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और हमें कमेंट करके बताओ दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें कमेंट करके बताओ, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस पर डे आप लोग देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों।
क्योंकि एनसीआर में जितना भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है आज की डेट में, वो मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाने की कोशिश करता रहता हूँ दोस्तों। तो अभी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर कितना कुछ वर्क हो चुका है, और अब मैं आ चुका हूँ रिटर्न RRTS का जो वर्क है वो दिखाने वाला हूँ। तो आप लोगों को आने वाले टाइम में हर जगह के ब्लॉग देखने के लिए मिलेंगे इस दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर के दोस्तों। तो अब इसी पर ही वीडियो बनाएंगे। तो आपको बता दूं दोस्तों, ये लेफ्ट हैंड पे जा रही है दुहाई डिपो के लिए, और ये राइट वाली जा रही है सीधी मेरठ के लिए लाइन जा रही है। और आपको बता दूं ये 82 किलोमीटर का रूट है दोस्तों, और इसकी जो लागत है वो है 30,272 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया जा रहा है। और जो इस पर रैपिड रेल दौड़ेगी वो दौड़ेगी 180 किलोमीटर की रफ्तार से दोस्तों, 180 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी दोस्तों। आपको बता दूं कि मेरठ से लेके और दिल्ली के सरायकाले खां तक आप लोग 45 मिनट में सफ़र तय करेंगे दोस्तों, इतनी फास्ट चलेगी। और ये आ जाता है हमारे इंडिया का, ये दिल्ली का NCR का ईस्टर्न पेरिफेरल जो बनाया गया था पिछले साल, तो अभी चल रहा है सबको, दो साल हो गए हैं, 2.5 साल हो चुके हैं और यहाँ से हम निकलते हुए जा रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं। और ईस्टर्न पेरिफेरल पर चढ़ने के लिए यहाँ से हम लेफ्ट हो जाएंगे, तो हम चले जाएंगे दोस्तों। आगे देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को मुरादनगर का स्टेशन पर कितना कुछ बर्क हो चुका है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर रिमझिम बारिश पड़ रही है, क्योंकि तीन चार दिन से अभी खुलने का नाम नहीं ले रहा, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा पानी भरा पड़ा है रोडों पर। तो आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा कि पानी कितना भर रहा है, और स्लो डाउन बहुत ज़्यादा लग रहा है, लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं। तो आप लोगों को देख सकते हैं, क्यों मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए और बताया जाए। तो आगे अब थोड़ा सा ही बचा है, तो वो भी आप लोग देख लो कि मुरादनगर के स्टेशन पर कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है, क्या क्या वर्क चल रहा है वो आप लोग अपनी आंखों से देखेंगे KP संत के वीडियोस पे। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, और यहाँ से हम निकलते हुए जा रहे हैं और आगे ही आने वाला है मुरादनगर के। वैसे तो हम ये मुरादनगर के अंदर ही पहुँच चुके हैं, लेकिन स्टेशन पर जो मेन स्टेशन बनाया जा रहा है जहाँ पे, वहाँ पर अभी आगे आने वाला है, तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो KP संत के चैनल पर दोस्तों। तो अभी आने वाला है और आपको दिखाएंगे और बताएंगे। तो देख सकते हैं अभी यहाँ पर ये पैराफिट बॉल लगा दिए जा चुके हैं, और इस पर अब ट्रैक स्लैब डाले जा रहे हैं। और आपको बता दो इलेक्ट्रिक सिटी के खंभे अभी तक नहीं लगाए गए हैं, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरों में ऊपर देख सकते हैं, ये जो चमक रहा है आपको, इस पर ही लगाए जाएंगे इलेक्ट्रिक सिटी के खंभे दोस्तों। फिर इनके ऊपर ओवरहेड इक्विपमेंट लगाया जाएगा, उसके बाद में ओवरहेड वायरिंग इस पर खींची जाएगी, जो ओवरहेड वायरिंग की लाइन है वो खींची जाएगी दोस्तों। तो अभी तो काफ़ी वर्क है, तो आप लोग ऐसे ही वीडियोस देखो और ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाइक शेयर कमेंट करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमें कमेंट करके बता दिया करो कि वीडियोस कैसा लगा आप लोगों को। तो अभी आने वाला है, देख सकते हैं वो आगे चमक रहा है, आप लोगों को चमक रहा होगा थोड़ा थोड़ा, वही है मुरादनगर का स्टेशन दोस्तों। तो देखते हैं उस पर कितना कुछ वर्क चल रहा है, और वो आप लोगों को अभी दिखाते हैं और बताते भी हैं। तो ऐसे ही वीडियोस देखो, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करता हूँ और आप लोगों के बीच में
वीडियोस लाने की मैं कोशिश करता हूँ पर डे, ताकि आप लोग देखो और इन्जॉय करो, आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिले। आगे हमारा भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा, जो हमारे आगे जो जनरेशन आ रही है उनके लिए बहुत फास्ट टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिलेगी दोस्तों। तो देख सकते हैं ये आ चुका है यहाँ का स्टेशन मुरादनगर का दोस्तों। तो देख सकते हैं कौन कौन लेवल का है, ये जो आर्म्स को वो भी स्टैंड कर दिया गया है, और जो प्लेटफॉर्म लेवल का जो आर्म्स है वो भी स्टैंड कर लिए जा चुके हैं। देख सकते हैं अब इन पर गाटर लॉन्चिंग की जा रही है दोस्तों। देख सकते हैं ऊपर भी प्लेटफॉर्म पर भी गाटर लॉन्चिंग हो रही है और नीचे भी गाटर लॉन्चिंग की जा रही है, और गाटर लॉन्चिंग हो जाने के बाद में इस पर फ्लोरिंग किया जाएगा, और कहीं कहीं फ्लोरिंग हो भी रहा है दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये स्लो डाउन लगता हुआ तस्वीरें देख सकते हैं, क्योंकि ये रैपिड रेल का रूट बनाया जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर और स्लो डाउन देखने के लिए मिलता है। ये सेफ्टी बोर्ड लगे हुए हैं कि इन्होंने ही जगह घेर रखी है। तो दोनों साइड में देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ये गाटर लॉन्चिंग की जा रही है अभी इस टाइम पे, और गाटर लॉन्चिंग हो जाने के बाद में इस पर फ्लोरिंग किया जाएगा। तो अभी यही वर्क चल रहा है, और आपको बता दूँ कौन कौन लेवल के और प्लेटफॉर्म लेवल के आर्म्स को दोनों साइड में स्टैंड कर लिया जा चुका है, मतलब कि इनको बिल्कुल कंप्लीट कर लिया गया है। अब इन पर बस गाटर लॉन्चिंग की जा रही है। तो देख सकते हैं दोनों तरफ गाटर लॉन्चिंग देखने के लिए मिलेगी, कॉन्कोर्स लेवल का भी और प्लेटफॉर्म लेवल का भी, दोनों पे ही गाटर लॉन्चिंग की जा रही है इस टाइम पे। और गाटर लॉन्चिंग हो जाने के बाद में इस पर फ्लोरिंग का काम किया जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं इस पर सेटरिंग लगाई जा रही है फ्लोरिंग के लिए। देख सकते हैं ये पहले कनेक्ट करे जाएंगे, देखो ये लोहे के वो लगा दिए गए हैं डंडे से, और इन पर फ्लोरिंग किया जा रहा है, और इस पर ये फ्लोरिंग हो भी चुका है। एक साइड में फ्लोरिंग कर लिया गया, दूसरी साइड में चल रहा है। देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म लेवल के लिए भी गाटर लॉन्चिंग कर दी गई है, और इन पर अब फ्लोरिंग का काम किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। गाइस मिलते किसी